व्हाट्सअप गाइस, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ CSS के ट्यूटोरियल्स। और ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है जिसमें मैं CSS का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ आपको और बेसिक्स बताने वाला हूँ CSS के। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, पॉइंट नंबर 3, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इसकी फुल फॉर्म होती है CSS की। इसे याद रखिएगा हमेशा, जॉब में जब आप जाते हैं इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाता है, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर कंपनी में हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वह आपसे इंटरव्यू में पूछ लें। बिकॉज आप एक वेब डेवलपर हैं, इट डजेंट मैटर कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं या एक फुल स्टैक डेवलपर हैं, वो आपसे ये चीज़ पूछ सकते हैं अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो। क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सा सवाल है एक वेब डेवलपर को, कम से कम वेब एप्लीकेशंस में यूज़ होने वाली स्टाइल शीट की जो लैंग्वेजेस हैं, मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में पता होना ही चाहिए। एटलीस्ट उनकी फुल फॉर्म, वो कहाँ बनी, किसने बनाई, कब बनाई, ये सब तो पता होना ही होना चाहिए। दैट्स वाई आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ये मैंने पॉइंट्स तैयार करे हैं एंड आई होप इनसे आपको CSS के बारे में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 पे देखते हैं। CSS was first proposed by Hakon Wium Lai on October 10, 1994. इनका नाम बड़ा अजीब है यार, पर चलो जो भी हो। तो ये कह रहे हैं कि ये जो शख्स हैं, मैं दोबारा इनका नाम नहीं लेने वाला, ये जो शख्स हैं, ये नाम तुम जो देख रहे हो, इन्होंने इनके हिसाब से कि इन्होंने CSS जो है ये बनाई थी। कब पहली बार दुनिया के सामने इसका जो है अस्तित्व आया, कब आई दुनिया के सामने पहली बार, अक्टूबर में, 10 अक्टूबर को आई ये 1994 में। ठीक है, बहुत सारे YouTube चैनल्स पर CSS के ट्यूटोरियल्स हैं बट उनमें ये चीज़ नहीं बताई गई कि CSS कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई, पर मैं ये चीज़ बताऊँगा क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी काम करो तो अच्छे से करो वरना उसे हाथ में ना लो। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ट्यूटोरियल्स पर आने वाला मेरा कोई सब्सक्राइबर, कोई व्यूअर अधूरी नॉलेज के साथ यहां से जाए। ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता। दूसरा पॉइंट पर आते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा कहता है एट द टाइम लाइव वॉज वर्किंग विद टिम बर्नर्स ली एट सर्न। सर्न नाम की शायद कोई जगह होगी उस समय वहाँ। और ये जो थे पहले नंबर पर जिनका आपने नाम सुना, इन्होंने उस वक्त ये इनके साथ काम कर रहे थे, टिम बर्नर्स ली के साथ। तो आई थिंक इन दोनों ने मिलकर के CSS को डेवलप किया, CSS को डिज़ाइन किया, इस लैंग्वेज को बनाया। और ये दोनों वो मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने CSS के डेवलपमेंट में काम किया है और CSS को दुनिया के सामने लाने में इतना बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया सबसे पहले ही, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है CSS की। बहुत से लोग पूछते हैं भाई CSS की फुल फॉर्म क्या है, तो ये CSS की फुल फॉर्म होती है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा हमेशा। CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। यहाँ ये फोर्थ पॉइंट ये बता रहा है आप लोगों को कि CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो ये HTML के जो एलिमेंट होते हैं ना, जिससे हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर मिलता है किसी भी वेब पेज का। स्ट्रक्चर माने कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे जो स्केलेटन है जो कि हड्डियों से बना हुआ है, वो सिर्फ एक स्केलेटन है, वो दिखने में अच्छा नहीं है, बहुत ही डरावना सा है, दिखता है ना, डरावना सा दिखता है ह्यूमन स्केलेटन। अब उसको अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हमारी हमारे स्किन है, फिर हमारे मसल्स हैं, ये सब चीज़ें मिलकर के हमारे पूरे बॉडी को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तब जाकर के वो अच्छा दिखता है, समझ रहे हो। डायरेक्ट किसी भी इंसान का स्केलेटन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, बहुत डरावना दिखता है, भयानक दिखता है। उसी तरीके से किसी भी वेब पेज के अंदर ओनली HTML से बना हुआ एक स्ट्रक्चर बहुत ही वियर्ड दिखता है, बहुत ही गंदा दिखता है, उसका कोई डिज़ाइन नहीं होता है, उसका कोई लुक नहीं होता है। तो उसको एक अच्छा डिज़ाइन देने के लिए, उसको अच्छा लुक देने के लिए CSS काम करती है और CSS उसको खूबसूरत बना देती है, बहुत सुंदर बना देती है, उसे डिज़ाइनिंग दे देती है। ठीक है, एनिमेशंस दे देती है। और इस तरीके से हमारा एक वेब पेज जो कि बहुत घटिया सा दिख रहा था, जिसके अंदर कुछ भी फिक्स नहीं था, कोई भी चीज़ अच्छे से प्रॉपरली अलाइन नहीं थी कहीं भी, जिसके अंदर कोई कलर्स नहीं थे, जिसके अंदर कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं थी, वो अब बहुत ब्यूटीफुल हो चुका है। ठीक है, तो ये काम CSS करती है। कहाँ करती है, स्क्रीन पर दिखाती है, डिस्प्ले स्क्रीन पर हमें मिलती है, इसके आउटपुट जो है स्क्रीन पर देखने को मिलती है। और इसका यूज़ हम HTML के एलिमेंट्स के ऊपर करते हैं उन्हें अच्छा बनाने के लिए। CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क।
हाँ तो बिल्कुल सही बात है भाई, CSS हमारा बहुत सारा काम बचा देती है। CSS से हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से, अगर आप CSS सीख लें तो CSS बहुत ही ज़्यादा आसान है गाइस। इतनी ईजी है ना कि CSS को सीखना बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ बहुत आसान है। और बहुत से लोगों को लगता है कि CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल नहीं, CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हालांकि इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करके थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की जाती है, लाइक विड्थ और हाइट में कैल्क नाम के एक फंक्शन का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं विड्थ को। वो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके होता है, प्लस माइनस का यूज़ करके होता है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कभी किसी के सामने आप मत कहिएगा, इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम लॉजिक्स लगा सकें, लॉजिक्स क्रिएट कर सकें, समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सिक्स्थ पॉइंट के बारे में, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। ये मल्टीपल यानी कि बहुत सारे HTML में बने हुए वेब पेजेस को एक ही बारी में कंट्रोल कर सकती है। इस बात को थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास चार पांच HTML से बने हुए वेब पेजेस हैं, और चार पांच वेब पेजेस को हम सिर्फ एक ही CSS फाइल बना करके उन सब में डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, सब में डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, चार पांच में नहीं, आप चाहो तो 500 पेजेस में डिज़ाइनिंग दे सकते हो सिर्फ एक ही CSS की फाइल में। पर होगा क्या, आपकी उस CSS की फाइल के अंदर जो कोडिंग की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फिर आप 500 पेजेस, मान लो आप जितने ज़्यादा पेजेस रखोगे उन सब के एलिमेंट्स को उस एक CSS की फाइल के अंदर ढूंढना कि आपने कहाँ लिखा था, कहाँ उसकी डिज़ाइनिंग करी थी, कहाँ उसका एनिमेशन किया था, तो वो सब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए लोग हर वेब पेज के लिए उसका एक अलग से CSS फाइल क्रिएट करते हैं। बट ये पॉइंट हमें बस ये समझाना चाहता है कि आप एक CSS के फाइल से भी अनेक HTML में बने हुए वेब पेजेस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात। सेवन पॉइंट पर आते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, CSS को लिखने के कुछ तरीके होते हैं, मैं इसी पॉइंट पर आऊँगा, पहले सुन लीजिए। CSS को लिखने के कुछ तरीके होते हैं, तरीके मतलब कि तीन तरीकों से CSS लिखी जा सकती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन में जिस एलिमेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं उस एलिमेंट के अंदर ही सिर्फ एक लाइन के अंदर स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए हम CSS की किसी भी प्रॉपर्टी को वहाँ डिफाइन कर सकते हैं, ये इनलाइन तरीका हो गया। इंटरनल होता है HTML का जो हमारा पेज होता है, हमारा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर स्टाइल नाम के टैग को लगा कर के हम उसमें CSS लिख सकते हैं, पूरी जितनी CSS हमें लिखनी हो, जो भी हमें कुछ करना हो वहाँ हम कर सकते हैं, ये इंटरनल हो गया। एंड एक्सटर्नल तरीका होता है, सेवन्थ पॉइंट में हमें मैंने लिखा है, ये है कि सेवन्थ पॉइंट ये कहता है कि आप CSS की एक्सटर्नल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आज हम क्रिएट करने वाले हैं अभी। तो मैं आपको तीनों तरीके बताने वाला हूँ, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्शन था और साथ में बेसिक्स भी, तो अभी मैं बेसिक्स भी क्लियर कर दूंगा आपके। ये पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो, नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पॉज करके। तो चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स introduction.txt को यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को 10 सेकेंड पीछे की तरफ स्किप करके आप ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अभी हम एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे, मैं अभी एक फोल्डर में हूँ और उस फोल्डर के अंदर मेरा जो है एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है, क्योंकि मेरे जावास्क्रिप्ट के भी ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं तो मैं उन पर भी लोगों को सिखाता रहता हूँ, पर मैं अभी जावास्क्रिप्ट में नहीं जाने वाला हूँ हम, क्योंकि ये ट्यूटोरियल हमारे CSS के हैं तो CSS के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर एक index.html का फाइल है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फाइल, ये जो नया फाइल मैंने बनाया है इसको सेव करते हैं। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस फोल्डर के अंदर ही सेव होगा, इसको मैं नाम दूंगा index.css। नाम के बाद .css लगाना बहुत ज़रूरी है, ये एक्सटेंशन होता है फाइल का, ये नहीं लगाएंगे तो फाइल तैयार नहीं होगी, मशीन को पता नहीं चलेगा कि ये फाइल किस तरह की है। मशीन को बताने के लिए कि आप किस तरह की फाइल बनाना चाहते हैं उसका एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैं एक्सटेंशन पर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप वीडियोस में जाइए, वीडियोस को एक बार चेक करिए, मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं, ऐसी ऐसी जानकारी है उन वीडियो में जो आपको आज से पहले नहीं पता होगी, तो वीडियोस को देख लेना। तो ये अब हमने क्या करा है, ऊपर आप ऊपर की तरफ देखें तो एक लोगो आ गया है, CSS का लोगो आ गया, सेम यही लोगो आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा, तो ये CSS का लोगो है। और साइड में हमारी एक HTML की फाइल है, ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ ये मेरा पुराना वाला चल रहा है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, जबकि मुझे इसे चेंज करना था CSS ट्यूटोरियल्स,
और फिलहाल के लिए मैं यहाँ से ये जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट टैग हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं सीएसएस समझा सकूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, दोनों फाइल को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों फाइल को दोनों तरफ ओपन कर लिया है और मैंने ये जो HTML का फाइल है ना लाइव सर्वर पर होस्ट किया हुआ है। ये देखो, ये लाइव सर्वर आ गया, अपना लाइव सर्वर आ गया। वेब पेज को मैंने मैक्सिमाइज़ कर लिया। अभी यहाँ कुछ नहीं आ रहा। मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट पर क्लिक करा और ये जो ब्लैक कलर का साथ देख रहे हो ये इंस्पेक्ट कर लिया है हमने और कंसोल में आ गए हैं। तो अभी हम कंसोल में हैं और यहाँ अभी हम देखेंगे कुछ भी अगर एरर होता है तो हमारा यहाँ आ जाता है। अभी कोई एरर नहीं आया हमें, तो इसे कर देते हैं हम क्लोज। सबसे पहले तो CSS में दो चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली होती है आईडी होती है। हाँ, ये एक एरर सा बन गया, कोई बात नहीं, रिमूव कर देते हैं इसको। तो पहली क्या रहती है हमारे पास, याद रखना, आईडी होती है। दूसरी हमारे पास रहती है क्लास, ठीक है, ये याद रहेगा। पहली होती है आईडी, दूसरी होती है क्लास। किसी भी एलिमेंट को दो तरीकों से टारगेट किया जा सकता है, या तो उसको उसकी आईडी से टारगेट किया जा सकता है या फिर उसको उसकी क्लास के थ्रू टारगेट किया जा सकता है, और या फिर डायरेक्टली उसके नाम से उसे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली उसके नेम से आप उसे टारगेट कर सकते हो, बट नेम से हम टारगेट बहुत कम करते हैं, बिकॉज जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो एक ही नाम के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो ऐसे में हम सब पर तो सेम CSS लगाना नहीं चाहते हैं, सबको तो सेम डिज़ाइन और स्टाइल हम देना नहीं चाहते हैं, सबको अलग अलग डिज़ाइन और स्टाइल देना है, इसलिए नाम पर नहीं लगाएंगे। क्योंकि CSS क्या करता है, अगर आप किसी प्रॉपर एलिमेंट का नाम देकर के अगर आप उसमें स्टाइलिंग करते हो तो क्या होता है कि CSS सारे उस नाम के एलिमेंट्स पर वो स्टाइल अप्लाई कर देता है, वो डिज़ाइन अप्लाई कर देता है सब पर एकदम सेम, तो इससे पेज खराब हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हर ये जो टैग होता है HTML का, इसको एक आईडी दे देते हैं या फिर एक क्लास दे देते हैं, और फिर उस आईडी या क्लास के थ्रू उस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करते हैं CSS में डिजाइनिंग देने के लिए। समझ आया? फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, बॉडी हमेशा एक ही होती है, पूरे के पूरे HTML के एक पेज में बॉडी का टैग हमेशा एक ही रहता है, ये दो दो नहीं लगते कभी भी। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बॉडी लिखेंगे, मैं कमेंट्स में लिख रहा था। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ बॉडी लिखूंगा, तो देखा आपने बॉडी लिखते ही ऑटो कंप्लीट हो गया ये, तो मैंने बॉडी लिखा। और अभी बॉडी लिखते ही मैं क्या करूँगा, एक मैजिक दिखाता हूँ छोटा सा आपको, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ BG, माने कि बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में अगर यहाँ रेड कर दूँ, रेड एक कलर है आपको पता है, बैकग्राउंड रेड, बहुत ही सिंपल। इसका मतलब हमारा जो बॉडी टैग है ना उसके बैकग्राउंड को रेड कर दो, देखते हैं। यस, एक चीज़ बताना मैं आप लोगों को भूल गया, माफ़ी चाहूँगा। CSS का जब भी आप एक्सटर्नल फाइल बनाएं तो उसको सबसे पहले HTML के पेज के अंदर लिंक कर लें, क्योंकि जब तक आप उसे लिंक नहीं करेंगे तब तक HTML के पेज को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा CSS का फाइल उसको जो है इम्पोर्ट करना है अपने अंदर। तो सबसे पहले हेड टैग के अंदर, ये जो हेड टैग है हमारा, इसके अंदर कहीं भी आप लिंक कर लें, लिंक CSS। और ये जो href होता है, href का वैल्यू आप क्या दे दें, अपने फाइल का नाम दे दें। हमारे फाइल का नाम क्या है, index.css। तो यहाँ मैं लिखूँगा index.css। तो देखो ऑटो कम्प्लीट भी आ गया, नाम दिया, ये लिंक हो गया फाइल। अब वेब पेज पर जैसे ही जाएंगे तो हमें सारा वेब पेज रेड कलर का दिखाई देगा। मैं क्लिक करता हूँ और देखो सारे वेब पेज का कलर रेड हो गया है। ये पूरा का पूरा बॉडी है, जितना भी आप रेड कलर का देख रहे हो ये पूरा का पूरा बॉडी टैग है हमारा, पूरा का पूरा बॉडी टैग के अंदर आता है, ठीक है। कलर आप कोई भी डाल सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर आपका जो मन आए आप यहाँ पर कलर डाल सकते हो। कलर डालने के बहुत तरीके होते हैं, हेक्स कलर कोड भी डाल सकते हो, RGB भी डाल सकते हो, वो हम आगे बात करेंगे क्या होते हैं। फिलहाल मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, लाइक मैं यहाँ डाल देता हूँ ग्रीन। जैसे मैंने ग्रीन डाला तो सारा वेब पेज ग्रीन कलर का हो गया, देख रहे हो। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिखा, सारा वेब पेज ऑरेंज कलर का हो जाएगा, देखो सारा वेब पेज ऑरेंज कलर का हो गया। इतनी पावरफुल है CSS, ये बस एक छोटा सा इसका एक एग्जांपल है कि CSS से आप क्या कर सकते हो। ये तो बहुत बेसिक भी, मैं तो बेसिक में भी नहीं मानता मैं इसको, ये तो शुरुआत है एकदम, तो बिल्कुल आपकी एडवांस लेवल पर जब जाओगे ना CSS से तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत भी कुछ कर सकते हो आप CSS से। तो फिलहाल सबसे पहले तो ये बेसिक है हमारे CSS का एकदम, ठीक है। अभी आपने सिर्फ बैकग्राउंड को देखा है जिससे कि हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं ना बॉडी के अंदर एक div टैग ले लेता हूँ। div टैग ना सबसे कॉमन टैग है, सब सब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो अभी मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आईडी और क्लास वाली। और नाम से अगर हम किसी टैग को करते हैं ना स्टाइल, तो वो सब में एक जैसा हो जाता है। मैं अभी वही चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी दो डिव टैग ले लिए। यहाँ पर आप देखो दो डिव टैग ले लिए, पहला वाला ये रहा, दूसरा वाला ये रहा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल सा डिव। जो भी HTML में टैग्स होते हैं वो सारे आपको CSS में मिल जाएंगे, उन पर स्टाइलिंग करने के लिए ऑटो कंप्लीट में नाम आ जाएगा सबका। अब मैं डिव में जाता हूँ और सबसे पहले तो इसको एक हम क्या करते हैं, इसको एक हाइट दे देते हैं, क्योंकि जब तक हम इसे हाइट और विड्थ नहीं देंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है, कितना बड़ा दिख रहा है। तो हाइट जैसे आप लिखेंगे तो हाइट एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को वैल्यू देना होता है। वैल्यू कई तरीके से आप दे सकते हैं, मतलब कि पिक्सल्स में होती है, इंचज़ में होती है, इसमें परसेंट में भी होती है, रैम में भी होती है, ईएम में भी होती है। तो बहुत तरीके हैं वैल्यू देने के, तो लेकिन मैं यहाँ फिलहाल पिक्सल्स में देने वाला हूँ। तो मैं 100 px माने पिक्सल, 100 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ और विड्थ में दे देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, हाइट और विड्थ 100 पिक्सल दे दी, माने कि मैंने एक ये बॉक्स बना लिया है 100x100 परफेक्ट। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो बॉडी के अंदर सब ऑरेंज है, बट आपको वो 100x100 का जो हमने ये जो एक ड्यूब बनाया है, ये जो एक बॉक्स बनाया है स्क्वायर सा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इसको कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। जैसे बैकग्राउंड हमने बॉडी को दिया है, वैसे हमने इसको कोई बैकग्राउंड नहीं दिया है, इसलिए इसका कोई कलर ही नहीं है, तो हमें दिखाई नहीं देगा, ये इनविजिबल है एक तरह से अभी। तो इसमें भी सेम बीजी लिखेंगे बैकग्राउंड और इसको हम रेड दे देंगे। तो मैंने इसको रेड दे दिया और अब आपको दिखाई देगा ये देखो। तो यहाँ पर आपको ये रेड कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है अभी एक। तो ये जो है हमने बना लिया है यहाँ पर डिव। अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि ये देखिए डिव के यहाँ पर ना काफ़ी स्पेस बच रहा है। मैं अगर जूम करूँ इसको तो ये देखो, ये जो स्पेस आप देख सकते हो डिव रेड और रेड कलर के बीच में ऑरेंज कलर आ रहा है, ये एक स्पेस आ रहा है। इस स्पेस को, ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हो या मेरे कर्सर के साथ देखें, ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हो, इसको कैसे मिटाएं, इसको कैसे ख़त्म करें। इसको ख़त्म करने के लिए ये बॉडी के अंदर है हमारे, बॉडी के अंदर लिख दीजिए मार्जिन ज़ीरो। जैसे आप मार्जिन लिखेंगे ज़ीरो, तो मार्जिन ज़ीरो हो गया, देखिए वो सारा स्पेस मिट गया। आप देखिए ये जो रेड कलर का हमारा जो डिव था, ये एकदम चिपक गया बॉडी के साथ, कहीं भी ऑरेंज कलर दिखाई नहीं दे रहा है फालतू का। तो जैसे आप मार्जिन ज़ीरो लिखेंगे तो उसके अंदर का जो मार्जिन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन बाहर की तरफ होता है, पैडिंग अंदर की तरफ होती है। इसके ऊपर हम खुल के डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, ये एक बेसिक है मेरा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बेसिक के जितना ही सिखाऊंगा। अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ जैसे कि डिव लिखा हुआ था, किसी भी डिव को कोई स्पेशल आईडी या क्लास नहीं दिया था, इसलिए इसने दोनों डिव पर ही सेम रूल अप्लाई कर दिया। दोनों को ही इसने 100 पिक्सल की हाइट और विड्थ दे दी और दोनों को ही इसने रेड कलर दे दिया। पर अब क्या होगा कि अगर मैं मान लो किसी एक डिव को अलग कलर देना चाहूँ तो, या फिर अलग हाइट विड्थ देना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आईडी देनी होगी, तो HTML में जाएं आप, उसे या तो आईडी दे दें या फिर आप चाहें तो उसे क्लास दे दें। तो मैंने यहाँ पर आईडी का यूज़ किया है और मैं इसे आईडी दे रहा हूँ div2 के नाम से मैंने इसको आईडी दिया। और आईडी को एक्सेस कैसे करते हैं CSS में, आईडी को एक्सेस करने के लिए सबसे ऊपर देखिए, आईडी को जब भी आप एक्सेस करेंगे तो आपको हैश का यूज़ करना है, और क्लास को जब भी एक्सेस करेंगे तो आपको डॉट का यूज़ करना है। डॉट जो है क्लास को रिप्रेजेंट करता है और जो हैशटैग का साइन है आईडी को रिप्रेजेंट करता है। और ये देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको एक अलग से हाइट और विड्थ दे दूँगा। हाइट मैंने इसको मान लो दे दी 200 पिक्सल और विड्थ दे दी मैंने इसको 200 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ और दे देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं सपोज करूँ मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मुझे अलग दिखाई देगा, ये देखो अलग से एक बड़ा सारा आप देख सकते हैं, पर मैंने इसको जूम आउट कर दिया है। ये देखो ब्लैक कलर का एक बॉक्स आ गया हमारे सामने और रेड कलर वाले बॉक्स के ऊपर आ गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अलग से दूसरे एलिमेंट को टारगेट किया। अगर मैं इसे आईडी ना देता तो क्या होता कि दोनों एलिमेंट को कोई अलग करने के लिए कोई पहचान नहीं थी उसकी, ना कोई आईडी थी ना कोई क्लास थी, सिर्फ डिव पर लगा रखा था। तो उसने क्या करा था, इस वेब पेज के अंदर जितने भी डिव होते ना सब पर ये सेम CSS को अप्लाई कर देता। इस चीज़ से बचने के लिए हम आईडी और CSS, आईडी और क्लास का यूज़ करते हैं CSS में। आईडी की जगह मैं क्लास लिख रहा हूँ, वहाँ चेंज कर रहा हूँ, मैंने उसे क्लास कर दिया है। और अभी आप देखो कि CSS के फाइल में ये सिर्फ हैशटैग है, ठीक है, तो वहाँ कुछ भी बदलेगा नहीं,
वो जो ब्लैक वाला डिप है वो आएगा ही नहीं। हाँ सब कुछ सही है पर वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्लास को, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप क्लास लिखो तो वो डॉट से रिप्रेजेंट होती है। जैसे कि आईडी को टारगेट करने के लिए हैश लगाना पड़ा था, क्लास को टारगेट करने के लिए आपको डॉट लगाना पड़ेगा। अब वो एलिमेंट हमें दिखाई देगा, देखना। तो मैं जैसे गया वापस आ गया, आप देख सकते हो उसे फिर से। तो इस प्रकार से आईडी और क्लासेस काम करती हैं। तो ये था हमारा आईडी और क्लासेस, ये एक्सटर्नल सीएसएस फाइल हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरनल के बारे में बताना चाहता हूँ। इंटरनल आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर हमें दो डिप की सारी ज़रूरत नहीं है, इसे मिटा देता हूँ और यहाँ से ये भी मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको इनलाइन बता रहा हूँ, सबसे पहले इनलाइन समझा देते हैं। तो स्टाइल नाम का यहाँ पर आप एक एट्रीब्यूट दें और उसके अंदर अब आप जो भी लिखेंगे, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर हाइट लिखा, मुझे आ रही है सारी प्रॉपर्टीज़, मुझे यहाँ भी मिल रही हैं, हाइट 100 पिक्सल, सेमी कोलन देना है सेम वैसे ही जैसे एक्सटर्नल सीएसएस फाइल के अंदर कर रहे थे, वैसे ही विड्थ यहाँ देंगे 100 पिक्सल। और इसको भी एक बैकग्राउंड कलर देंगे ताकि ये दिखाई दे हमें, कोई कलर नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा। अब ये मुझे दिखाई देगा, सबसे ऊपर टॉप में आपको लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आ रहा होगा, तो ये आ रहा है। एक ही लाइन के अंदर सीएसएस देने को हम इनलाइन सीएसएस कहते हैं। अब इंटरनल किसे कहते हैं मैं दिखाता हूँ। इंटरनल के लिए आप देख सकते हो कि ये हमारा पूरा का पूरा वेब पेज है, HTML से बना हुआ है पूरा वेब पेज है। इसके अंदर हम स्टाइल नाम के टैग का यूज़ करते हैं और इस स्टाइल नाम के टैग के अंदर अगर आप ये सारी CSS, अगर मैं इसे यहाँ से, मैं मान लो इस सारी CSS को मैं कॉपी कर लूँ, सीधा कंट्रोल सी करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि चल क्या रहा है। अब देखो कोई CSS नहीं है, इनलाइन भी CSS नहीं है, एक्सटर्नल भी आप देख सकते हो फाइल के अंदर सिर्फ बॉडी टैग में बैकग्राउंड कलर है और मार्जिन जीरो है और कुछ नहीं करा हुआ हमने। और रिजल्ट दिखा देता हूँ, वेब ब्राउज़र पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस इंटरनल CSS में स्टाइल नाम के टैग के अंदर उस CSS को पेस्ट कर देते हैं। और ये हमने कहाँ देनी थी ये बताना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर div लिख देता हूँ कि ये div में देनी है और curly brackets ज़रूर लगाने होते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि ये थोड़ा शेप में आ जाए। अब देखो, अब आप देख सकते हो सेमी कोलन वाइट के बाद लगाना है मुझे, ये देखो। अब मैंने इसको दे दिया है सेम वही हाइट है, विड्थ है, बैकग्राउंड कलर वाइट है और बस ये मैंने क्या करा है एक स्टाइल नाम के टैग के अंदर दिया है। तो ये इंटरनल CSS हो गया है और अब आपको वापस से वही टॉप लेफ्ट में डिप दिखाई दे रहा है, वाइट कलर का स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से CSS तीन प्रकार से हम दे सकते हैं, HTML के एलिमेंट्स में इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल फाइल के थ्रू, आईडी और क्लास के थ्रू। और डायरेक्ट लिखोगे तो आपको पता है क्या होगा, सारे एलिमेंट्स पर एक साथ अप्लाई हो जाएगी वो, क्योंकि उसे टारगेट करने के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं मिलेगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी वीडियोस देखने चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।